ब्रजभूषण बोले, बेनकाब ही नहीं धज्जियां उड़ा दूंगा। भाजपा सांसद का पहलवानों पर तंज, कहा गिड़गिड़ाकर मांगेंगे माफी, षड्यंत्र में कांग्रेस भी साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों पर हमला बोला, कहा ये लोग यौन उत्पीड़न मामले में षड्यंत्र कर रहे, इनको लग रहा मुझे मिटा देंगे, मगर घबराइए नहीं, ये लोग गोंडा कचहरी में आएंगे और गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। वह दिन अब दूर नहीं, इन लोगों को बेनकाब ही नहीं बल्कि मानहानि का दावा भी करूंगा, इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। इस षड्यंत्र में कांग्रेस पार्टी और सारे विरोधी दल शामिल हैं, आज हम झेल रहे हैं लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि ये लोग भी झेलेंगे। भाजपा ने कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को दे दिया है, 600 किलोमीटर दूर बैठकर तमाशा देख रहे ब्रजभूषण ने बुधवार को कहा, मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, यह सिर्फ कुश्ती संघ में मेरे पद को लेकर ही नहीं बल्कि मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए भी था। ये लोग 600 किलोमीटर दूर बैठकर मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब झूठे लोग हैं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, मैं हारूंगा नहीं बल्कि जीत कर आऊंगा। उन्होंने कहा, ये लोग मुझे राजनीति में पराजित नहीं कर पाए, अब समय समय पर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, यह काम पहली बार नहीं हुआ है, यह 1996 से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है, केस को तो मैं लड़ लूंगा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मैं इस लड़ाई को हारूंगा नहीं बल्कि जीत कर रहूंगा। दुश्मनों की नजर कैसरगंज सीट पर, कैसरगंज से भाजपा सांसद ने कहा, दुश्मनों की नजर कैसरगंज सीट पर है, मैं जिंदगी कैसे जी रहा, जिंदा हूं या नहीं, यह सब निर्धारित कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वोट उनके गाल पर तमाचा होगा, इसलिए इस बार ज्यादा वोटों से करण भूषण को चुनाव जिताएं, इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा, क्या सच्चाई है क्या नहीं अब तो सामने निकल कर आएगी, अब हमें कोर्ट में खुलकर बोलने का मौका मिलेगा, अभी तक तो हम कोर्ट में बोल नहीं पाते थे, एक दायरे के अंदर हमें अपनी बात रखनी थी, अब हम अपनी बात रखेंगे, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। ब्रजभूषण ने कहा था, मैं बुलडोजर नीति का विरोधी, ब्रजभूषण ने 4 दिन पहले बुलडोजर नीति को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था, मैंने पहले भी सार्वजनिक मंच से बयान दिया था, आपको याद होगा गोरखपुर का एक मामला, हमसे पूछा गया तो मैंने कहा था मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।